वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो अभी पेपर हुआ है नीट एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रिक्स हम अप्लाई कर सकते थे, या फिर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो आपको इन फ्यूचर भी काम आएगा, या फिर अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए आखिर तक वीडियो में बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, पर इसमें हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए बी इन द वीडियो। सो विल सी द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। आप देखो यहाँ पे क्या कहा है, सॉलिड टू वेपर चेंज होने वाला है, मतलब विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। द टेक्निक इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इज नोन एज। अब जो भी सब्सटेंस सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर स्टेट में जाता है, उस स्टेट को या फिर उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और ये जो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए है, देखो, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन। तो अब सब्लिमेशन यूज करके हम जो सब्सटेंस है सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर स्टेट में जाते हैं, उन्हें हम प्यूरिफिकेशन भी उसी प्रोसेस से करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सब्लिमेशन। द करेक्ट आंसर इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक रिएक्शन दी है, देखो एक डबल बॉन्ड है, ओके, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन यहाँ पे ये CH2CHO में हुआ है। अब यहाँ पे हमने रिएजेंट क्या यूज़ किए, मैं डिटेल में आपको रिएक्शन बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे रिएक्टेंट है, देखो दिस CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कन्वर्जन पहले मैंने क्या किया, जिसके बाद ये CH2, मतलब मुझे यहाँ इस कार्बन को CHO हुआ है, मतलब इस कार्बन को मुझे CH2OH आना चाहिए, ओके, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है। और हाइड्रोलिसिस भी कैसे हुआ है, विद द हेल्प ऑफ BH3, ओके, BH3 हमने यूज किया, और इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 / H+, मतलब ये आपका हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमें सेटजेप्स रिएक्शन से अपोजिट प्रोडक्ट मिलता है। अब यहाँ पे भी हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, बट OH ग्रुप कहाँ पे ज्वाइन होगा, देखो अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता हूँ मैं इसका, CH2CH2CH2OH। अब देखो यहाँ पे अक्रॉस दिस टू कार्बन एटम्स यहाँ पे एडिशन हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का, मतलब यहाँ आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल मिला है। तो ये रिएक्शन पहले हो गई जिसमें हमने H2O2 और BH3 यूज किया। तो यहाँ ऑप्शन में भी है, यहाँ ऑप्शन में भी है H2O2 BH3, और यहाँ पे और नीचे एक ऑप्शन है, देखो BH3 और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-। अब आगे की स्टेप क्या है, देखो आगे की स्टेप है, सिर्फ हमें क्या करना है, दिस CH2OH कन्वर्टेड इनटू CHO, मतलब प्राइमरी अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू दी अल्डिहाइड, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कैन बी टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो हमें PCC यूज करना पड़ेगा जो CH2OH को CHO में कन्वर्ट करेगा, ओके? तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट, मतलब आपने सीक्वेंस क्या यूज किया, पहले आपने BH3 यूज किया, उसके बाद H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ या फिर OH- आयंस, और जो तीसरा था आपका PCC। तो ये सीक्वेंस कहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये आपका आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स आर, जो दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 मैं पढ़ता हूँ और स्टेटमेंट नंबर 2 भी पढ़ता हूँ। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। एनिलीन फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे जो नाइट्रोजन ग्रुप है एनिलीन में लगा हुआ, वो नाइट्रोजन ग्रुप उसका
असाइलेशन हो सकता है, मतलब ये आपका एन पे असाइलेशन हो सकता है. ओके, दिस इज मोर प्रॉन टुवर्ड्स द असाइलेशन, दैट्स व्हाई सकता है. ओके, यहाँ पे असाइलेशन हो सकता है, इसलिए एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट या फिर ट्रू स्टेटमेंट. अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस. गैब्रियल सिंथेसिस आपने सुना है, गैब्रियल सिंथेसिस इज द रिएक्शन इन विच गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस भी हम उसे कहते हैं, इन विच प्राइमरी अमाइंस आर प्रिपेयर्ड. प्राइमरी अमाइंस हम प्रिपेयर करते हैं, ये एनिलीन प्रिपेयर नहीं करता, क्योंकि एनिलीन ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और जो सेकेंडरी भी कंपाउंड है. ओके, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो इसमें ऑप्शंस देखो आप, जो थर्ड ऑप्शन है इसमें दिया है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू. ओके, तो ये आपका हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन साथ है. अब ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस. एंट्रोपी इज द रैंडमनेस इन द रिएक्शन. कहाँ पे इंक्रीज होगा, क्वेश्चन क्या दिया है ये ठीक से पढ़ो, कहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगा. अब देखो रिएक्शन दी है, लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर. लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में हो रहा है, ऑब्वियसली लिक्विड यू आर कन्वर्टिंग इन टू वेपर, मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी, मीन्स एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ रही है. ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. दूसरा देखो, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन. इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, मीन्स वी आर डिक्रीजिंग द एंट्रोपी. दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन कहाँ कहाँ है, पूरे ऑप्शन में, यहाँ पे सिर्फ सी में नहीं है, मतलब आपका बी, सॉरी सी एंड डी, मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पे मिनिमाइज हो गया. ये आप अभी आप क्या है, आपके पास थ्री ऑप्शन है. ओके, यहाँ पे बी भी नहीं है, और ये भी जो है आपका यहाँ बी नहीं है, इसमें बी है, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं है. ठीक है, अब ये दोनों में से आपको देखना है सी के, सी ऑप्शन देखता हूं मैं, जहां पे क्या है 2NH NaHCO3 gives Na2CO3 CO2 and H2. This reaction is increasing the entropy of the reaction. Okay? मतलब इस रिएक्शन में भी आपकी रिएक्शन का एंट्रोपी बढ़ता है. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. और जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो क्लोरीन है, दिस इज गोइंग टू चेंज इनटू इट्स गैसियस फॉर्म, मतलब एक इंडिविजुअल गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, इसमें भी आपका एंट्रोपी इंक्रीज होता है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया वन, मतलब ए. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल. आपको पूछा है कि केपी और केसी यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री. ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज. ये सिंपल ऑर्डर दी है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि आपका स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है. जैसे कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, उसमें भी मैंने वीडियो बनाया है, जो इंटरमीडिएट रहते हैं कार्बन के, उनका एक वीडियो मैंने बनाया है. जैसे कि कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन्स, तो उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों है, ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है. तो हम यहाँ पे देखेंगे अभी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर मोस्ट स्टेबल कौन सा है. जैसे कि आपको पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन इज हाईएस्ट स्टेबिलिटी हैविंग, सेकेंडरी, उसके बाद में प्राइमरी कार्बोकैटायन, और उसके बाद में आपका मिथिल कार्बोकैटायन. तो ये आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस कार्बन एटम, इट इज अटैच टू ओनली वन कार्बन, दैट्स वाई दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन. दिस कार्बन या फिर ये जो कार्बोकैटायन है, दिस इज अटैच टू वन टू थ्री कार्बन एटम्स, दैट्स वाई इट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन. दिस कार्बोकैटायन अटैच टू अनदर टू कार्बन एटम्स. ओके, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये भी आपका हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन. तो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, बिकॉज इट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन जो सबसे स्टेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
the reagent with which glucose does not react to give corresponding test or products are. कौन से ऐसे reagents है जिनके साथ glucose की reaction नहीं होती. Tollens reagent, obviously it reacts with the glucose, aldehyde group है. Skips reagent, it does not react with the glucose. HCN cyanide formation करता है. NH2H oxime formation करता है. और जो ये NaHSO3 है ये भी आपका रिएक्शन नहीं करता है. तो आपका बी और ई ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है जो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं करता. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे बोथ अभी स्टेटमेंट दिए हैं. बोथ CONH3+ एंड COF6-3- कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर. अभी हमें इसका क्या चेक करना है, मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना है. तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. CONH3+ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो दूसरा है आपका COF6-3-. ओके, तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+, और यहाँ भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+. अब हमें चेक करना है कि CO3+ मतलब FeCO, SCTIVCRMNFeCO, SC मतलब 21, ये हो गए 27. ओके, तो इसका 27 था, CO27 था, तो 4S2 3D7 आएगा. तो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या आएगा, 4S0 3D6. ये भी आपका सेम 4S0 3D6 ही आएगा. तो मतलब इसमें फर्क क्या है, तो अब ये फर्क देखना है हमें कि ये जो NH3 कॉम्प्लेक्स है दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड. ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. और ये जो F6 है ये आपका वीक लिगेंड है. जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पेयरिंग होती है. ओके, तो अब मैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल निकालने वाला हूँ. ये डी ऑर्बिटल इसके लिए और ये डी ऑर्बिटल इसके लिए. ओके, आर यू गेटिंग इट. तो अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं. यहाँ पे स्ट्रांग है मतलब पेयरिंग हो गई. पेयरिंग हो गई मतलब क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया. ओके, और यहाँ पे ये वीक है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया. ओके, मतलब यहाँ पे इन दोनों का भी मैग्नेटिक बिहेवियर अलग है. यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो अनपेयर्ड है. मतलब इनका मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, समझ में आ गया. अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. CONH3+ इज डायमैग्नेटिक. ओके, और COF6-3- इज पैरामैग्नेटिक. जैसे मैंने वही कॉम्प्लेक्स से देखो, ये दोनों भी वही कॉम्प्लेक्स से. अब इसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि ये आपका CONH3+ ये डायमैग्नेटिक है. यस, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड रहेंगे तो ये आपका होगा डायमैग्नेटिक, और अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक. अंडरस्टैंड. तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था. थोड़ा सा इसको आपको क्या करना था, ये लिगेंड के हिसाब से इसको अरेंज करना था. ठीक है, तो ये दोनों भी स्टेटमेंट आपके क्या है, ट्रू है. तो आपका ऑप्शन आ गया, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ. एक्टिवेशन एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है. देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमें पता होनी चाहिए. उसके लिए सपोर्टिंग स्टेटमेंट दिए है. ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द कोलिजन. नहीं, ये आपका गलत ऑप्शन है. दूसरा, रेट कॉन्स्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर. यस, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. आगे भी स्टेटमेंट देखते हैं. रेट कॉन्स्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर.
नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ये भी नहीं हो सकता. द करेक्ट आंसर इज रेट कॉन्स्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर. अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कॉन्स्टेंट क्या है उसके हिसाब से हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आगे का जो क्वेश्चन है देखो, अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है. ओके, C6H14 हैज टू टर्शरी कार्बन एटम, दो उसमें टर्शरी कार्बन एटम्स है. इट्स IUPAC नेम इज, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जो ये छोड़ के यन एक्जेन छोड़ के जो तीनों भी ऑप्शन दिए है, 2-methylpentane भी, ये तीनों भी इसमें टर्शरी है. ओके, ब्यूटेन दिस इज 1, 2, 3, 4. ओके, 2,3-dimethyl, अब ये जो दो कार्बन एटम्स है ये 2,3-dimethyl है, तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया 2,3-dimethyl CH 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 2,3-dimethyl butane. दिस इज योर करेक्ट आंसर. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 with list 2. दो लिस्ट दिए हैं और यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन है. देखो, एक कंपाउंड है और उसकी ज्योमेट्री या फिर शेप पूछा है, तो हमें मैच करना है. जो हमें पता है पहले वो हम करेंगे, डायरेक्टली हमें एकदम हार्ड ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है. जैसे मुझे NH3 का इजीली पता है कि NH3 का शेप क्या है, तो ये NH3 हम ऐसे निकालते हैं. दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया ये आपका. वन जो है इसका ऑप्शन हो गया ए, ए का आपका हो गया 1. तो ए का 1 कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह पे, ठीक है. तो यहाँ दूसरी तरफ नहीं. देखो ये करके आप क्या कर रहे हो, इसको मिनिमाइज कर रहे हो, जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको आप मिनिमाइज कर रहे हो, ठीक है. तो ये आपका आ गया 1. फिर से और एक चेक करता हूँ मैं, जैसे कि BRF5 BR एट द सेंटर और फ्लोरिन एटम, दिस कैन बी अरेंज लाइक दिस. तो ये आपका हो गया स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल. तो अब स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल किसका है, ये आपका BR का है, मतलब 4th. ये भी आपका कंफर्म हो गया, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 1 gram ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 molar HCl सोल्यूशन. द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इक्वल टू. ये भी कैलकुलेशन है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. इसमें हम देखेंगे, इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यह आता है 250 mg. ठीक है, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से मैच द लिस्ट. ओके, मैच द पेयर्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं. जैसे कि आप अगर आपको 1-2 भी उसके आंसर पता है एग्जैक्टली, तो उसको आप बराबर रॉन्ग ऑप्शंस को मिनिमाइज करके करेक्ट आंसर की तरफ जा सकते हैं. ओके, तो अब देखो ये यहाँ CONH3 5NO2, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिए हैं और इनके आइसोमर्स दिए हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स. तो ये जो पहला ऑप्शन दिया है आपको NO2Cl2, मतलब ये Cl2NO2, NO2 आपका एम्बिडेंटेड लिगैंड हो सकता है, इसलिए ये आपका लिंकेज आइसोमर भी हो सकता है. ओके, जो SO4 है और ब्रोमीन है इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ये आपके क्या हो सकते हैं, आयोनाइजेशन स्पीयर अलग अलग बना सकते हैं. तो ए का आपका 2 आ गया, ए का 2 आ गया, बी का 3 आ गया, तो ये आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे 3rd ऑप्शन. और आगे जाते हैं थोड़ा, देखो ये एक कॉम्प्लेक्स है और ये एक कॉम्प्लेक्स है, दो कॉम्प्लेक्स एंटिटी अगर आते हैं तो 100% वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पीयर चेंज हो सकता है. और जो लास्ट वाला है देखो H2O, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आता है और सॉल्वेट भी वर्ड आता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका सॉल्वेट आइसोमर है. ओके, तो ये आपका 3rd ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया. ठीक है, क्योंकि जो पहला आपको दिख रहा है ए, यहाँ पे NO2 है, NO2 दिस कैन बी अटैच विद द सेंट्रल मेटल विद द नाइट्रोजन, और देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि ये ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है, मतलब ये आपका हो गया एम्बिडेंटेड लिगैंड. ओके, तो इसकी लिंकेज जो है नाइट्रोजन से भी है और ऑक्सीजन से भी है, इसलिए हम इसे लिंकेज आइसोमर कहते हैं. ठीक है, तो इसका भी वीडियो मैंने, टाइप्स ऑफ लिगैंड, अभी रिसेंट वीडियो है टाइप्स ऑफ लिगैंड जो मैंने बनाया था,
उसकी लिंक भी मैंने यहाँ पे आई बटन पे दी है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करता है। अब ये पूरा आपका चालकोजेन फैमिली ओ एस एस ई टी ई पी ओ, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ये आपका ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये भी दिखाता है, पर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट गेट डिक्रीज, या फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट वो नहीं दिखाता। हमें एक क्वेश्चन वही पूछा है कि विच डज नॉट शो, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा फिर आपका, पोलोनियम इज द ऑप्शन, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। अब SN1 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पहले समझ लो, SN1 दिस इज फॉर्मिंग कार्बोकैटायन, ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा, मतलब इसका इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। कार्बोकैटायन किसका फॉर्म होता है, जो स्टेबल होता है, मतलब हमें ऐसा कार्बोकैटायन चाहिए या फिर हमें ऐसा इंटरमीडिएट या फिर सॉरी इंटरमीडिएट नहीं, हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसा चाहिए जो स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करने के लिए स्टेबल मतलब टर्शरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, इन दोनों में से एक चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये सेकेंडरी फॉर्म करेगा, ओके, ये जो है यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि ये ब्रोमीन यहाँ से निकल नहीं सकता, ये प्राइमरी है, ये दिखा नहीं सकता, ये भी आपका सेकेंडरी है, ये दोनों में ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, पर यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, सेकंड की, क्योंकि बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ रहा है आपको, दीज आर द वेरी सिंपल ट्रिक्स दैट आई एम अप्लाइंग टू दिस क्वेश्चंस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विथ लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या है आपका, लुकास रिएजेंट इज ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ओके, ये आपका लुकास रिएजेंट है। अब ये लुकास रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन टर्शरी के साथ फास्ट करता है, उसके बाद सेकेंडरी से, उसके बाद लुकास रिएजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, ओके, तो मतलब इसका मतलब क्या, टर्शरी अल्कोहल। अब इसमें देखो कहाँ पे है, ये आपका हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया टर्शरी अल्कोहल, ये भी हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड वन, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे, थोड़ा सा आपको उसको अगर रिवाइज होता है या फिर अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए, ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन दिया है, ओके, और फैराडेज नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड दिया है। अब देखो यहाँ पे हम फैराडेज लॉ यूज कर सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैट हाउ मेनी फैराडेज रिक्वायर्ड, वो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन है, पहला जो दिया है H2O का कन्वर्जन हुआ O2 में, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज अगर देखोगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, मतलब 2 फैराडे, ओके, A का आपका आ गया 2, तो A का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, अब आगे देखेंगे थोड़ा सा, ओके, तो दूसरा देखो MnO4- से क्या बना है, Mn2+ बना है, देखो इसमें कितना चेंज हुआ, +5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, मतलब इसको लगा कितना है, 5 फैराडे लगा, बस आगे की देखने की जरूरत भी नहीं है। देखो B का 4 मतलब ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3, ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन, हीलियम एटम्स किस में ज्यादा है, 4 ग्राम हीलियम में 1 ग्राम मतलब एक एटम रहता है, 4 ग्राम हीलियम में एक एटम रहता है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 4 है, मास डिवाइडेड बाय आपका ग्राम आ गया, मतलब एक एटम आपका हीलियम का प्रेजेंट है, ठीक है,
दूसरा है देखो 2.2 लीटर, लीटर में दिया है, ठीक है। देन यहाँ पे भी आगे का क्वेश्चन देखो, 4 मोल, 4 मोल मतलब कितना हो गया, 4 मोल मतलब 4 एटम हो गए, ओके। और 4 यूनिट मतलब ये आपका सबसे छोटा है, सबसे लेस, ये सबसे लेस है, ओके। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया थर्ड, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या, जिस आयंस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं, उनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, सेम होती है। अब हम इन सारे एलिमेंट्स में देखेंगे कि स्पिन ओनली मूवमेंट कैसी है। जैसे कि टी आई, टिटेनियम एस सी टी आई मतलब 22, ओके। उसके बाद क्रोमियम 24, टी आई एस सी टी आई वी सी आर मतलब 24। उसके बाद आ गया एम एन, एस सी टी आई वी सी आर एम एन 25। उसके बाद एफ ई 26, एस सी 21, ओके। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या हो गया 4s2 3d2। ये भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ मैं। 2 2 मतलब ये 22 हो गया, अब इसका क्या होगा, वैसे ही 2 4 होगा। पर ये ये क्या है आपका, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, मतलब 4s1 3d5 होगा, इसका तो 4s2 3d5 होगा, इसका भी 4s2 3d6 होगा, इसमें 4s2 3d1 होगा, 21 मतलब 21, 26 मतलब 26, 25 मतलब 25, लाइक दिस। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ट्रिक दैट आई हैव शोन यू हियर। अब देखते हैं 3+, 3+ मतलब ये क्या हो गया, सिस्टम कौन सी हो गई, ये आपका टिटेनियम 3+ हो गया, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ से एक, मतलब ये आपकी हो गई D1 सिस्टम, ठीक है। अब देखो आगे क्रोमियम 2+, यहाँ से एक जाएगा और यहाँ से एक जाएगा, मतलब ये 4 हो गए, मतलब ये आपकी आ गई D4 सिस्टम। Mn 2+, ये दोनों जाएंगे, ये आ गया आपकी D5 सिस्टम। फिर से क्या है, Fe 2+, है ना, 2+ से मतलब क्या, ये दो जाएंगे, मतलब आ गया ये D6 सिस्टम, ओके। और यहाँ पे लास्ट वाला कौन था, Sc 3+, मतलब ये तीनों भी 0 हो जाएंगे, मतलब ये D0 हो गया। अब यहाँ पे तो कोई भी आपको सेम नहीं दिख रहा है ना, पर अगर आप देखते हो कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, मतलब उनको हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4, ओके। 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, और 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6, मतलब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो डी में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स है अनपेड, और वैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, इसमें है क्रोमियम में, तो क्रोमियम आपका क्या हो गया, बी, और ये एफ ई कौन सा हो गया आपका, डी। तो यहाँ पे है क्या करेक्ट ऑप्शन, बी और डी ओनली, यस दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट एन इज इक्वल टू 1 फॉर एच ई प्लस आयन्स इज माइनस एक्स जे, देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन यन टू स्टेट फॉर बी ई 3+ आयन्स इन जे इज जूल, जूल में वो एनर्जी कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, माइनस एक्स, ओके। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। मॉलिक्यूल दिए हैं और नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दिए हैं बिटवीन दैट कार्बन एटम्स। कार्बन एटम में नंबर एंड टाइप दिए हैं, देखो इथेन, इथेन आपका ए, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया इथेन, CH3 CH3, यहाँ पे एक सिर्फ क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा क्या है आपका इथिन, इथिन मतलब ई एन ई अल्किन, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
यहाँ पे एक सिग्मा हो गया और एक पाई बॉन्ड हो गया, ओके, कार्बन टू मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मुझे नहीं आ रहा है तो मैं बाद में देखूंगा। दूसरा देखो इथाइन, है ना, तो इथाइन में क्या है, कार्बन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, मतलब एक आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड और दो हो गए आपके पाई बॉन्ड। अब ये ऑप्शंस देखो कहाँ पे है, इथेन में एक सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ ओनली वन सिग्मा बॉन्ड है, क्या वन सिग्मा बॉन्ड, मतलब ए का आपका आ गया थ्री। दूसरा देखो अभी बी, बी का क्या है इथीन, मतलब एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, देखो वन पाई बॉन्ड और वन सिग्मा बॉन्ड, मतलब बी का आपका आ गया फोर, है क्या कहीं पे, ए का थ्री बी का फोर, ये दो आ गए ऑप्शन, देखो ये आपके दोनों भी कट हो गए, ठीक है। अब आगे वाला देखना है इथाइन का, इथाइन मतलब क्या आ गया, दो आपके पाई बॉन्ड आ गए और एक आपका आ गया सिग्मा बॉन्ड, मतलब फर्स्ट डी का वन आ गया, डी का वन है क्या, डी का वन ये है देखो, मतलब आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी का टू है, मतलब क्या, कार्बन मॉलिक्यूल अगर मैं लिखता हूँ, सी टू मॉलिक्यूल अगर मैं लिखता हूँ तो उसमें सिर्फ क्या होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं, ओके, दिस इज कंप्राइजेस ऑफ टू पाई बॉन्ड्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द रिएक्शन टू ए गिव्स बी प्लस सी, के सी दिया है वैल्यू एट द इक्वल टाइम, एट द गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू टू इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मोलार, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें हमें पूछा है कि ये जो इक्वेशन है इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमें पूछा है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर वन, द रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन की टेंडेंसी ऐसी है कि ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगी, ओके ओके। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फिर से दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर द फॉलोइंग ऑर्डर। आप यहाँ पे ऑर्डर दिए है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग दिया है यहाँ पे, है ना, जैसे कि H2O इज इन लिक्विड स्टेट, H2O क्या होता है आपका, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा कि बाकी के जो हाइड्राइड्स है इनकी क्या है, गैसियस स्टेट होती है, इसका मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर ये बराबर है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोलार मास, यहाँ पे ओ एस एस ई टी ई, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इनका मोलार मास क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ मोलार मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, बराबर है, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए था देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल इट हैज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। आप देखो ऐसा होना चाहिए था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या दिया है, सबसे ज्यादा है, यस दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि वाटर है ऐसा मॉलिक्यूल है इस सीरीज में इनके हाइड्राइड्स में कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि दिस ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन एटम्स दैट कैन ओनली फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बाकी दूसरे नहीं, इसलिए वाटर कैन एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एंड अदर हाइड्राइड्स आर इन द गैसियस स्टेट, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जो आपका थर्ड ऑप्शन है सी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो ये बहुत ही सिंपल दिया है, प्रोसेस क्या है और कंडीशन क्या है, ठीक है। प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है द प्रोसेस विच कैन बी टेक्स प्लेस एट, अभी ऑप्शन की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, ये इतना सिंपल बेसिक है। आइसोथर्मल का मतलब होता है द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जहां पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक रिलेटेड टू द वॉल्यूम, ओके, आइसोबैरिक रिलेटेड टू द प्रेशर, एंड एडियाबेटिक द टेम्परेचर विच कैन बी टेक्स प्लेस एट द नो चेंज इन द हीट, हीट या फिर किसी पे भी चेंज नहीं होता। तो इसके ऑप्शंस देखेंगे, ए का आपका क्या हो गया
ए का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मतलब कैरिड आउट एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टू, ओके। ए का टू ऑप्शन का कौन सा है, सिर्फ एक ही है, ये ऑप्शन भी बहुत ही सिंपल दे दिए इन्होंने, ओके। तो ये आपका हो गया आंसर। सेकंड बी, थर्ड देखो, बी का थ्री है मतलब क्या, कैरिड आउट एट दी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कोरिक मतलब वॉल्यूम हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ दिया है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, ये भी सबसे सिंपल क्वेश्चन आया था। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल के दो ऐसे एलिमेंट्स है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये जो मैंने दिखाई है ये है आपकी इंट्रा, इंटर जो होता है, इंटर का मतलब क्या, इन बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था वाटर मॉलिक्यूल, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन द टू मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, इनमें यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है, ठीक है। पर यहाँ देखो, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए आपको, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ओके। इन दोनों में अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो यहाँ पे क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो भी। और एक दूसरी चीज, अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है तो दोनों भी ग्रुप ऑफ एटम्स क्या चाहिए, एक दूसरे के थोड़ा सा नियरर चाहिए, है ना, ज़्यादा दूर नहीं चाहिए, तो डिस्टेंस भी उसमें क्या चाहिए, थोड़ा सा छोटा चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देखो, इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब ये आपका हो गया इंटर मॉलिक्यूलर, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। और ये जो दिया है यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना, दिस फॉर्म्स दी, ये देखो यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और यहाँ आ गया आपका ओ एच, तो इन दोनों में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ओके। सो दिस कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन दोनों में नहीं बन सकती क्योंकि दीज आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, अंडरस्टैंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, बहुत सारे सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं और कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे हैं शायद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग ए सॉल्यूशन जो होता है वो किससे बनाता है, ये एकदम सिंपल है, आपका कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन रहता है, द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यस द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटम नंबर दिए है और इन्फॉर्मेशन दी है, क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं, देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमिथल क्वांटम नंबर, स्पिन और मैग्नेटिक। स्पिन क्वांटम नंबर जो जो हमें पता है वो हम देखेंगे, ओके। जो आपका एन, दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट शोज द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ओके। तो ये आपके ऑर्बिटल की क्या दिखाएगा, साइज दिखाएगा, मतलब ये आ गया डी का टू, डी का टू कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह पे है, ठीक है। और दूसरा भी चेक करेंगे हम, एस मतलब ये आपका हो गया स्पिन, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन दिखाता है, बी आपका फोर है, बी आपका फोर है, यस। एल, एल शोज द साइज, एल क्या दिखाता है आपको, साइज दिखाता है, ओके। मतलब सी का आपका आ गया वन और ए थ्री, अब ये बाकी रह गया ए, ये आपका दिखाता है थ्री, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, वेदर योर ऑर्बिटल इज ओरिएंटिंग इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, IE1। IE1 का मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट है उसमें से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कौन पहले इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब जिसकी एनर्जी, जिसको ज़्यादा एनर्जी लग रही है वो, उसको क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है वो ईजिली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब वो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर दी है, एल आई बी ई बी सी और एन, ओके। तो अब देखो, एल आई आपका सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आप तो अगर ये सीरीज देखोगे आप तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है,
और इसमें भी दो एलिमेंट देखो क्या है, ये जो आपका बोरॉन है ना, बोरॉन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर 5, बेरिलियम का 4, इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसका क्या आएगा नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, 7 है ना एटॉमिक नंबर, तो p3 मतलब इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो इसका ज़्यादा होना ही है, इससे ज़्यादा होना ही है, ये बराबर है। अब ये देखो b5 हो गया, मतलब क्या 1s2 2s2 2p1 आ गया, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी कम रहेगी है ना, तो इसकी एनर्जी कम रहेगी मतलब क्या ये इसके अंदर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा Li, B, Be, C और N, ये ऐसी सीक्वेंस है क्या देखेंगे हम अभी, Li, B, B, C, N, Li, B, B, E, C, N, ये एक ही एसिड, ओके, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, अंडरस्टैंड। आई विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/T इज कंसिस्टेंट विद अरेनियस इक्वेशन, तो अरेनियस इक्वेशन जो है दैट इज ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a है ना माइनस ea अपॉन rt, ये ea अपॉन r जो है आपका ये जीरो हो गया, तो इसको अगर हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू c + mx करेंगे तो ये आपका ग्राफ क्या आएगा, ये जीरो आएगा, मतलब ये आपका ग्राफ नेगेटिव आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव, बाप रे इतना सिंपल क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कौन सा है, सबसे पहले कौन सा आता है फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन इज द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे आपके कट हो गए पहले ही, जिसमें फ्लोरीन है वो दो ऑप्शन को हम उसके बारे में सोचेंगे, ओके, फ्लोरीन के आगे कौन है देखो BCNOFO है ना, तो ओ एफ की ऑर्डर कौन सी है ये है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन, बाकी का देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन इस पेपर में आया होगा शायद है ना, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन दिए देखो, लिस्ट 1 में रिएक्शन दिया है और इसमें कंडीशन दी है, रिएक्शन क्या हुई है देखो, इस डबल बॉन्ड का कन्वर्जन दो कार्बोनिल ग्रुप में हुआ है, ये रिएक्शन कौन सी है, इफ यू विविडली रिकॉग्नाइज दिस रिएक्शन, रिमेंबर दिस रिएक्शन, दिस इज योर ओजोनोलिसिस रिएक्शन O3 है ना, ये आपका डबल बॉन्ड बनाता है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप या फिर रिएक्शंस ऑफ अल्कीन ऑन विद द ओजोन, ये मैंने बनाया था देखो, तो अब ये ओजोनोलिसिस की कंडीशन कहाँ पे है, 4th, मतलब ये आपका ए का क्या आ गया 4 आ गया, ए का 4 कहाँ कहाँ पे, दो जगह पे, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, देखो ये क्या है आपका बेंजीन है, बेंजीन का कार्बोनिल कंपाउंड आ गया और फिर से एक बेंजीन आ गया, मतलब ये आपकी फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन मतलब बेंजीन विथ क्लोराइड ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये आपका आ गया बी का 1, मतलब ये आ गया बी का 1 आ गया है, क्या दोनों भी इसमें बी का 1 है, अरे बाप रे बहुत, और आगे जाएंगे थोड़ा सा, क्या है अल्कोहल ग्रुप का कन्वर्जन किया है कार्बोनिल में, देखो COH का कन्वर्जन हुआ है C डबल बॉन्ड O में, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, तो ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो सकता है ना CrO3, ठीक है, तो ये आपका सी का आ गया 2 ऑप्शन, सी का आ गया 2 ऑप्शन, इसमें है क्या C का 2 यहाँ पे है। अब चौथा हम चेक करेंगे डी का 4, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे दिया है KMnO4 और KOH, दिस ऑक्सीडाइजेस ऑलमोस्ट ऑल द आर ग्रुप विच प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे जो कुछ भी चेन या फिर ब्रांचिंग या फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी अटैच है, तो उसको ये KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH दिस ऑक्सीडाइजेस टू डायरेक्टली एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, तो ये आपका हो गया ये रिएक्शन, डी का आपका आ गया थ्री, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका 1, अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से रिएक्शन है देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर से क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालना है, ए और बी कौन सा है, ए आपका माइनर प्रोडक्ट है और बी आपका मेजर प्रोडक्ट है। रिएक्शन ठीक से देखो, अब देखो क्या है रिएक्शन में, बेंजीन रिंग इट इज साइक्लोहेक्सेन CH3 ग्रुप OH, इसका कन्वर्जन इन प्रेजेंस ऑफ PBr3, मतलब ये आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन है। दिस OH कैन बी कन्वर्टेड इन टू ब्रोमीन। ओके, ये CH3 ग्रुप वैसे रहेगा, दिस इज योर ब्रोमीन। अब ये यहाँ पे प्रोडक्ट है क्या, ब्रोमीन, यस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। और आगे जाएंगे, आगे क्या है, रिएजेंट अल्कोहलिक KOH, दिस इज योर इलिमिनेटिंग एजेंट, है ना, इलिमिनेशन करने में यूज होता है। इलिमिनेशन मतलब 1:1 इलिमिनेशन, और 1:1 इलिमिनेशन में भी उसे हम दूसरा भी कहते हैं, दैट इज अल्फा बीटा इलिमिनेशन। अल्फा बीटा इलिमिनेशन में प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, दैट्स वाई द प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेट्जेप्स इलिमिनेशन। सेट्जेप्स इलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा, ओके तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी आपका बीटा कार्बन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ डबल बॉन्ड आपका बन जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट आएगा आपका बी प्रोडक्ट डबल बॉन्ड यहाँ CH3। ये है क्या, कहाँ पे है, यहाँ पे। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ये प्रोडक्ट डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये दूर दूर तक इसका संबंध ही नहीं है, है ना। Understand? The product A and B obtained in the following reaction. A and B product हमें देखना है। अब देखो इस reaction में A क्या मिला है, 3OH, 3 times of RH plus PCl3. देखो ये भी आपकी halogenation की reaction है, 3 times आपका product बनेगा, 3RCl बनेगा, और ये OH यहाँ से 3OH और POH thrice बनेगा, okay? तो POH थ्राइस है क्या, या फिर H3PO3 से भी हम ये भी बोलते हैं, ये दोनों भी सेम है। H3PO3 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। दूसरा देखो ROH, ये एक ही मॉलिक्यूल यूज किया है, ROH प्लस PCl5 पेंटाक्लोराइड, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड यूज किया है यहाँ पे, RCl एक ही बन गया, तो इसमें से कितने बाकी है Cl, 4 Cl बाकी है, है ना, और एक P बाकी है, और उसके साथ कौन है, देखो OH भी बाकी है, इससे क्या बनेगा आपका POCl3 प्लस HCl, है ना, तो यहाँ पे HCl भी बनेगा और POCl3 भी बनेगा, तो इसका B प्रोडक्ट आपका आएगा शायद POCl3 है, क्या POCl3 इसके साथ है, POCl आपका करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट, इन द गिवन रिएक्शन, अब ये रिएक्शन फिर से दिए, देखो डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग के जैसी रिंग है, मतलब ये आपकी साइक्लोहेक्सीन की रिंग है, फिर से यहाँ पे CH, मैं ये ऐसे निकालता हूँ यहाँ पे, ओके, और इसकी रिएक्शन क्या है, KMnO4+H+। अब देखो H+ के साथ रिएक्शन है, तो आपका एक मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है इस, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन बनेगी ये डायरेक्टली आपका क्या करेगी, इस पूरे ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगी, क्योंकि ये एसिडिक कंडीशन में KMnO4 यूज़ किया है। अगर मैं बेसिक कंडीशन में यूज़ करता तो यहाँ डायोल फॉर्मेशन होता, जो इसका प्रोडक्ट यहाँ पे दिया भी है इन्होंने, ओके, पर ये एसिडिक कंडीशन है, तो एसिडिक कंडीशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा आपका, डायरेक्टली ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से, और ये पूरा यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बना देगा, और ये ऑक्सीजन बनाएगा, मतलब ये एसिड बनेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज फोर्थ इज योर द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, अब ये एक जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंस। रिएक्शन की सीक्वेंस दी देखो, अभी सिंपल है, ये प्रोपिल आयोडाइड है, N-propyl iodide, इसकी रिएक्शन साइनाइड के साथ, मतलब ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और जो आपका ए प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ ऐसे होगा, CH2 और
सी एन बनेगा, साइनाइड बनेगा। ठीक है, अब साइनाइड के ऊपर क्या किया है, देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब इसको हम अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बी आ गया आपका डायरेक्टली सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, अमाइड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जो भी वो भी आपको बता रहा है कि अमाइड है, और अमाइड के बाद ये जो रिएक्शन होने वाली है एन ए एच बी आर टू, दिस इज हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, है ना, हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। मतलब ये पूरा कार्बोनिल ग्रुप निकाल देगा सी ग्रुप में, सी जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना मेजर, ये आपका अमाइन बनेगा। ये कौन सा अमाइन है आपका, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू, प्रोपिल अमाइन, एन प्रोपिल अमाइन है क्या, प्रोपिल अमाइन, यस इट इज देयर, सी इज द आंसर। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है, इसका मतलब देर इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है कहीं पे गेन हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है या फिर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ये हमें देखना है। हाइड्रोजन एच टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एच सी एल में क्या आ गई, प्लस वन आ गई, ऑक्सीडेशन हुआ ये नहीं है। बैरियम, बैरियम का यहाँ पे भी बैरियम ही है, सोडियम का यहाँ पे भी सोडियम ही है, ये शायद हो सकती है, आगे देखते हैं थोड़ा। जिंक, जिंक का जेड एन एस ओ फोर हुआ, जेड एन इसके प्योर स्टेट में है, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या आ गई प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी नहीं है। के के सी एल ओ थ्री आई टू, देखो आई टू आई यहाँ पे भी क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्म में आ गया, जीरो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस वन आ गया, मतलब ये भी आपकी नहीं है। तो यहाँ देखो बैरियम का बैरियम ही रह गया, सल्फेट का सल्फेट ही रह गया, सोडियम का एक, यहाँ पे दो सोडियम थे यहाँ पे भी दो सोडियम है। ओके, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है। ओके नेक्स्ट, यस बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखो, अभी स्टेटमेंट दिए है दो स्टेटमेंट, फिर से ये ऐसा थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट वाला। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्री आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलोज इन ऑर्डर, ओके तो ऑर्डर क्या है, देखो आइसोमेरिक है पेंटेन है, उनकी ऑर्डर दी है, एन पेंटेन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ये बराबर है आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, क्योंकि क्या एन पेंटेन उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, आइसोपेंटेन लेंथ थोड़ी कम हो गई, नियोपेंटेन और कम हो गई। ठीक है, ये बराबर है, ये स्टेटमेंट बराबर है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स शेप ऑफ स्पीयर, देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है मॉलिक्यूल स्पीयर का शेप अटेन कर रहा है, यस द रिजल्ट्स इन स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक, देयर फोर बाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट, ओके देयर फोर इट लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, आइसोमेरिक ही है, पाँच ही कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है सभी इसमें, तभी भी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। क्यों, बिकॉज ऑफ एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द साइज गेट डिक्रीजेस एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन दी स्पीयर मॉलिक्यूल्स आर बिकम वीक, है ना, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो अब ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया ऑलमोस्ट। अब ये जो तीसरा या चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पे अटेंड कर रहा हूँ, तो इसमें बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें ऑप्शन थ्री है, वो दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू आ गए, ठीक है करेक्ट आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है आपका, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2+ आयंस, Fe2+ आयंस का हाइड्रोलिसिस ना हो इसलिए हम उसमें कौन सा एसिड ऐड करते हैं, वी आर एडिंग देयर, क्योंकि यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट है तो सल्फेट का ही आयन हमें चाहिए, तो इसलिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक टेबल आप जो बनाते हैं
टू कैलकुलेट द इम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो इसके लिए हम एक टेबल भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखो अब ए बी और सी दिए हैं, उनके परसेंटेज दिए हैं 32%। क्या है देखो क्वेश्चन, एक्स कंपाउंड है ना, जिसका फॉर्मूला इसमें से कुछ तो आने वाला है, कंटेन 32% ए 20% बी एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी। देन द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स, एक्स का इम्पेरिकल फॉर्मूला हमने हमें पूछा है, ठीक है। तो ए बी, बी का कितना है 20%, इसका टोटल आ जाएगा आपका 52, मतलब ये आ जाएगा सी का 48, करेक्ट है। अब दूसरा हमें निकालना है मोल्स, मोल्स कैसे निकालते हैं हम, 32 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना है 64, 20 डिवाइडेड बाय इसका बी का एटॉमिक मास कितना है 40, सी का कितना है 32, 48 बाय 32। अब इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ गया इसका, है ना, 0.5, 1/2 मतलब 0.5 आ गया, ये भी आपका आ गया 0.5, और ये इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1.5, मतलब कितना है रेशो 1:1:2:3 रेशो है, मतलब ये आपका ए कितना आ गया, बी कितना आ गया और सी कितना आ गया, A1, B1, C3 है क्या ऑप्शन, A1, B1, C3 यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाँ, द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक, जो डायमैग्नेटिक होता है उसका मतलब क्या, देर इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पेयर होती है, जबकि ये सारे लैंथेनॉइड से मतलब एफ ऑर्बिटल में आपको क्या चाहिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आप कैलकुलेट करो, इसको आप देख सकते हो कि गैडोलिनियम यूरोपियम इनका एटॉमिक नंबर लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, उसके बाद आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। तो उस हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर है C4+ और इटरबियम YB2+, ओके, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, डायपोल मूवमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ओके, इसकी डायपोल मूवमेंट क्या है, इन वन डायरेक्शन जा रही है, ओके। दूसरा देखो, NF3 फ्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन भी खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा और ये भी इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा लोन पेयर, तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो गई, कम हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे क्या किया है, ग्रेटर देन बोला, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। दूसरा देखो, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2-, CO3 2- का स्ट्रक्चर में 3 फॉर्म में लिख सकता हूँ, ओके, तो कैसे, C(O)-, यहाँ आ गया O-, ये एक स्ट्रक्चर हो गया आपका। दूसरा स्ट्रक्चर में इसको क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करूँगा, तो ये क्या आ गया, C(O)-, ये फिर से आ गया O-, ये दूसरा स्ट्रक्चर आ गया, फिर से मैं इसे क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करूँगा, ये फिर से क्या आ गया, O-(O)-, ये तीसरा स्ट्रक्चर आ गया। फोर्थ स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, ये फिर से करूँगा तो ये फिर से आ जाएगा, नहीं, 3 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, ये करेक्ट है, ठीक है। आगे भी देखेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन, ओजोन के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं हम। देखो अभी कैसे, ओजोन का फॉर्मूला आपका O3, मतलब इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा O+, यहाँ पे O-, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया मैंने और यहाँ आ गया O(O)-, ठीक है, और ये O+, इसके आगे नहीं जा सकता मैं, मतलब ये 2 ही स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। BF3 हैज़ 0 डायपोल मोमेंट, 0 डायपोल मोमेंट मतलब इन ऑल डायरेक्शन डायपोल मोमेंट अगर अपोजिट होता है तो वो 0 हो जाता है। अब तो ये सारा मैंने मिटा दिया, अब देखो BF3, ओके, BF3 का स्ट्रक्चर आपका FFF, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, ओके, तो इसकी जो डायपोल मोमेंट है ये 0 हो जाएगी, क्योंकि ये सारे अपोजिट डायरेक्शन से ये क्या कर रहा है, डायपोल मोमेंट को विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो है, नहीं, ये 0 है, इन्होंने कहा है नॉन जीरो है,
ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे क्वेश्चन है। CONH3+ इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगैंड होते हैं, सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स। ओके दूसरा जो है हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। अभी ये फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट दिए है दोनों भी उसमें ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट आ गया। ओके दूसरा देखो, CONH3+ हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड, उसकी ही डेफिनेशन दी है नीचे। ओके सेम टाइप ऑफ लिगैंड या फिर वन काइंड ऑफ लिगैंड की ही डेफिनेशन, मतलब होमोलेप्टिक लिगैंड, और मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड्स का मतलब होता है हेट्रोलेप्टिक लिगैंड। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके ओके सो इन दिस वे वी हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द नीट एग्जामिनेशन, उसको हमने प्रॉपरली डिस्कस किया। आपके तौर पे ये चेक कर सकते हो, लगे तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है सो विद दिस वी स्टॉप हियर। फॉर सच मोर इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। थैंक यू।